लीवर खराब कैसे होता है, लक्षण क्या है उसके? सबसे पहले तो शुरुआत बहुत ही बेसिक सिम्टम से होती है मैम। नॉर्मल आपने सुना होगा कि गैस बन गई जी, एसिडिटी हो गई जी, कॉन्स्टिपेशन हो गया, जब पाइल्स का इशू हो गया। एक लोग जो क्या करते हैं कि उनको एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, जब जलन हो रही है सीने में, खट्टे खट्टे दिकार आ रहे हैं, फिर भी वो चाय पीते रहते हैं। अगर किसी के सीने में जलन होती है, जब पेट में भारीपन रहता है, दिकार आते हैं, खट्टे दिकार आते हैं, या किसी को बिना खट्टे दिकार के भी दिकार वापस आते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, जहाँ राइट साइड के ऊपर पेन रहती है, जिसको हम राइट हाइपरकोंड्रियम रीजन बोलते हैं, जहाँ एपिगैस्ट्रियम में दर्द रहती है, जहाँ लगता है सुई चुभन जैसी पीड़ा हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लीवर खराब होने के चांसेस जो है वो 72-75% तक वो आगे आ चुके हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत करती हूं हेल्थ टॉक विद डॉक्टर नेहा महाजन में। और आज हम बात करेंगे कि ऐसे विषय के बारे में जिसके खराब होने से हमारी जान को काफी नुकसान हो सकता है। अगर हमारे शरीर का वो अंग खराब हो जाए ना, तो हम लाखों अन्य बीमारियों को घेर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लीवर की। लीवर कैसे खराब होता है और कैसे अपने लीवर को स्वस्थ रखा जा सकता है, ये सारी जानकारी हम जानेंगे डॉक्टर नेहा महाजन जी से, जो कि हैं ग्रीन जोन नेचर आयुर्वेदा गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हैं। और ये हमेशा आपके साथ बात करते हैं, आपको अच्छी अच्छी गाइडेंस देते हैं, और इनकी गाइडेंस के जरिए बेहद सारे पेशेंट्स ने अपनी लाइफ को स्वस्थ बनाया। तो ये सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर नेहा जी का स्टूडियो में। नमस्कार नेहा जी। हमेशा हम देखते हैं, जब भी आप किसी विषय पर बात करते हैं ना, लोगों का बहुत बहुत प्यार मिलता है। वो कहते हैं कि हमें हमारे घर की कहानी थी, हमारे घर की समस्या थी, ये बीमारी दूर होगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं आज बात करना चाहूँगी लीवर की। लीवर खराब कैसे होता है, लक्षण क्या है उसके? सबसे पहले तो मैम, लीवर जो खराब होता है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहले तो हमें, मैं आपको बताना चाहूंगी कि लीवर का क्या क्या रोल है हमारी लाइफ में। बिल्कुल। कि एक लीवर, हेल्दी लीवर हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले तो लीवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है हमारी बॉडी का होता है। और लीवर का काम होता है ब्लड को प्यूरिफिकेशन करना, ब्लड को साफ करता है, खून को साफ रखता है, और जो भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा टॉक्सिन होते हैं वो हेल्दी लीवर उसको रिमूव करता है। बट अगर आपका लीवर अनहेल्दी है तो ऑब्वियसली वो टॉक्सिन भी नहीं निकाल पाएगा, खून को साफ नहीं कर पाएगा, और बहुत सारी आपको लीवर की डिजीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगी कि अगर लीवर आपका खराब हो जाता है, लीवर में दिक्कत आती है, तो आपको बहुत सारे लीवर के डिजीज हो जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है फैटी लीवर से, बट इसमें भी ये देखना पड़ता है कि फैटी लीवर में आपका स्टेज कौन सा है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। बट आजकल ना 90-95% जो लोगों है केसेस जो हो रहे हैं वो फैटी लीवर के आते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन वो डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब उनका लीवर जो फैटी लीवर है वो थर्ड ग्रेड का होता है। अगर आप फर्स्ट स्टेज पे रोक दो तो क्या जाएगा आपका? जब आप थर्ड ग्रेड पे नहीं रुकोगे तो उसके बाद क्या होता है कि लीवर सिरोसिस, लीवर श्रिंक होने लगता है, या लीवर कैंसर, लीवर ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है। तो इसलिए अपने लीवर को हेल्दी रखना चाहिए। अब आपने मुझे क्वेश्चन पुट किया कि मैम लीवर खराब हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या दिख रहे हैं। सबसे पहले तो शुरुआत बहुत ही बेसिक सिम्टम से होती है मैम। नॉर्मल आपने सुना होगा कि गैस बन गई जी, एसिडिटी हो गई जी, कॉन्स्टिपेशन हो गया, जब पाइल्स का इशू हो गया। सब तो पहले तो एक लोग जो क्या करते हैं कि उनको एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, जब जलन हो रही है सीने में, खट्टे खट्टे दिकार आ रहे हैं, फिर भी वो चाय पीते रहते हैं। जैसे उनके अंदर मैम, तो आपने देखा होगा कि अगर पेट्रोल में हो, पेट्रोल है तो आग लगेगी, उसी तरह अगर किसी के सीने में जलन होती है, जब पेट में भारीपन रहता है, डकार आते हैं, खट्टे डकार आते हैं, या किसी को बिना खट्टे डकार के भी डकार वापस आते हैं, तो या उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, जहाँ राइट साइड के ऊपर पेन रहती है, जिसको हम राइट हाइपरकोंड्रियम रीजन बोलते हैं, जहाँ एपिगैस्ट्रियम में दर्द रहती है, जहाँ लगता है सुई चुभन जैसी पीड़ा हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लीवर खराब होने के चांसेस जो है वो 72-75% तक वो आगे आ चुके हैं। तो आपको ये डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसको आपको बहुत इससे आराम तरीके से नहीं लेना चाहिए कि भाई लीवर ठीक है, नहीं। आपको ये कहीं ना कहीं आपको गॉल ब्लैडर स्टोन कर सकता है, या आपके लीवर सिरोसिस कर सकता है। ये जो है लीवर के सिम्टम्स है मैम।
तो दर्शकों, अगर आपको भी किसी को ये सिम्टम है तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप डॉक्टर नेहा जी से अपनी सारी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री की जांच करवा सकते हैं और फर्दर जो है इनसे मेडिसिन ले सकते हैं। और यहाँ पर ज़रूर बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर नेहा महाजन और उनकी टीम की तरफ से नेचुरल तरीके से यानी कि आयुर्वेदा की सहायता से आपके रोगों को दूर करने की कोशिश की जाती है और लाखों लोगों ने इनकी सहायता से अपनी ज़िंदगी को बीमारी मुक्त बनाया है और हर बीमारी का इलाज इनकी तरफ से ग्रीन जोन नेचर आयुर्वेदा की तरफ से किया जाता है। और डेली इनके पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो इनके क्लिनिक में आते हैं और कुछ तो वहाँ रहकर इलाज भी कराते हैं, उनकी हर चीज़ का डाइट का ध्यान रखा जाता है। तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप डॉक्टर नेहा जी से संपर्क कर सकते हैं।